जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन को कैसे पता चलता है कि इसका कोई हेयरिंग प्रॉब्लम है? देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि बहुत सारे मुल्कों में जो कि जहाँ रिसोर्सेज हैं तो वहाँ पैदाइश के ऊपर ही हस्पताल में एक न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग हो जाती है, तो उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है। इंसान की समझ लें कि 95% आबादी इस टेस्ट से महरूम है, राइट। तो उसके नतीजे में ये होता है कि बच्चा जो है वो जब 6 महीने या साल का होता है, या अक्सर 3 साल 4 साल के बाद भी पेरेंट्स लेके आते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा और बोल नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिकली चूँकि वो सुन नहीं रहा होता तो बोलता भी नहीं है, तवज्जो नहीं देता। माँ पुकार रही है, बाप पुकार रहा है, नाना नानी दादा दादी पुकार रहे हैं तो तवज्जो नहीं देता, और फिर स्पीच भी डेवलप नहीं करता। तो ज़्यादातर चूँकि हमारे यहाँ दूर दराज लोग रहते हैं गाँव देहात में, तो 3 या 4 साल की उम्र में हमारे पास लेके आते हैं, जी बच्चा बोल नहीं रहा। अच्छा। फिर जब उसको टेस्ट करते हैं और शायद साहब के पास भेजते हैं, टेस्ट एवेल्यूशन करते हैं, पूरे सारे टेस्ट जो हैं वो, फिर हमें बताते हैं कि जी इनको तो किस डिग्री का हेयरिंग लॉस है और उस वजह से बच्चा बोल नहीं रहा।